तो बच्चों, जिस चीज का आपको इतना वेट था, जिसके लिए आप बरसों से तैयारी कर रहे हैं, वो फाइनली अब उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, नीट का नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे साथ हैं बायोलॉजी एजुकेटर प्रियंका मैम एंड माई सेल्फ रजत गोयल। और जो नीट का नोटिफिकेशन है, अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में ही आया है, तो उसी के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आपके सामने आए हैं, है ना प्रियंका मैम? सो हेलो एवरीवन, सो आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर प्रियंका वालिया, और आज और मैं और रजत सर आपके लिए लेकर आए हैं नीट का नोटिफिकेशन। एज यू नो कि कल रात को ही नीट का नोटिफिकेशन आ गया था, मतलब जिसका आप सबको इतना बेसब्री से इंतजार था कि फाइनली एनटीए ने जो आपको डेट बताई थी एक्सपेक्टेड, उसी डेट को वो एग्जाम ले रहे हैं। बस आपको ये करना है, आपको एक 1 मंथ का प्रॉपर टाइम दिया है एनटीए ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का। सो अब रजत सर आपको बताएंगे डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में, जिस बातों का आपको मेनली ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, सो हाँ जी, देखो बच्चों, पहले तो ना इसी फॉर्म के बेसिस पे हम सिंपल सिंपल चीजें कर लेते हैं। वैसे तो आप सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपको पता ही है सब कुछ, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पूरे फॉर्म को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, फॉर्म भरने की डेट है ना, ये बड़ा जरूरी है। आप देखिए, इसमें लिखा है कि 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल रात के 9 बजे तक ये फॉर्म भरने की डेट है, ठीक है? उसके बाद यहां एक लिखा है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 11:50 तक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 11:49 पर ही हम ट्रांजैक्शन करना शुरू करें, ठीक है? मतलब मैं तो कहूंगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है ट्रैफिक की वजह से कभी प्रॉब्लम हो, मतलब ऑनलाइन ट्रैफिक की वजह से, लेकिन हाँ सर्वर डाउन हो जाए, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी आपको मौका मिले उसको कर लें, ठीक है ना? उसके अलावा बाकी तो करेक्शन की डेट उन्होंने कहा है कि बाद में बताएंगे, तो इसमें जब होगा तो हम एक और ऐसा वीडियो ले आएंगे। ये फीस दे रखी है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, कहां पर सेंटर होगा ये भी लिखा है कि टू बी इंटीमेटेड लेटर, और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स ये भी टू बी इंटीमेटेड लेटर। अब इसके अलावा प्रियंका मैम, आप कुछ एग्जाम के बेसिक नेचर का भी बता दीजिए। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सर ने आपको लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट तो बताई दी है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपको ये तो पता ही है कि आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक एग्जाम भरना है। अब इसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास टोटली 2 मंथ्स लेफ्ट है, यानी कि अगर आप देखोगे एग्जाम की डेट तो है आपकी आई है 7 मई 2023, सर हाईलाइट कर देंगे। यस, तो आपका एग्जाम जो है संडे के दिन होने वाला है, एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इन्होंने टाइमिंग को बहुत एग्जैक्टली डिक्लेयर किया है कि 2 PM to 5:30 PM, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 3 hours 20 minutes का होने वाला है। और देखिए आपका एग्जाम जो है आफ्टरनून टाइम पे, तो ये आफ्टरनून टाइम आपको क्या बता रहा है, आपको मेनली ये चीज बता रहा है कि आपको रोज एक मॉक पेपर इस टाइम पे जरूर लगाना। अगर आप इस टाइम पे जरूर पढ़ाई करेंगे, तभी वो जो होता है ना बच्चों को दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी नींद आती है खाना वाना खा के, तो आप ट्राई करो कि आप इस टाइम पे जरूर पढ़ाई करो, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको पता हो कि ये मेरा टाइमिंग जो है पढ़ने का है, तो आप वहां पे भी बहुत जल्दी जल्दी जो है सारे के सारे क्वेश्चंस जो है करते जाओगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न। देखो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं करें, एज यू नो कि एनसीईआरटी में चेंजेस आए हैं आपकी, लेकिन आपके सिलेबस में एनटीए ने कोई भी चेंजेस नहीं करे। इट मींस जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी में जो 6 चैप्टर भले डिडक्ट भी हुए हैं बायोलॉजी के, वो भी आएंगे, तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो एग्जाम का पैटर्न वही है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन है, और बायोलॉजी के आपको पता है बॉटनी के 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस जो हैं आपके जूलॉजी के आएंगे, बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री सर बताएंगे आपको वो भी आई थिंक सेम ही है आपका। हाँ, पर उससे भी पहले यहाँ पर ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये जरूर देखो। सबसे पहले लिखा है दे कैन अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है? दूसरी बात, ये वेबसाइट दी हुई है neet.nta.nic.in, ठीक है? इस वेबसाइट पर जाना, कभी कभी सर्वर भी डाउन हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहें और इसी के थ्रू भरें। उसके अलावा एक और चीज देखिए, देखिए लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है? तो किसी भी तरह की मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं हो, इसके लिए इसी वेबसाइट से करना चाहिए। एक और पॉइंट ये लिखा है दे मस्ट एंश्योर दैट ईमेल एड्रेस
एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन, ठीक है, या फिर पेरेंट्स गार्जियंस ओनली। तो सबसे अच्छा ये होता है कि हम अपने पेरेंट्स का नंबर दे दें, ठीक है, मतलब मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है और मुझे लगता है मैम भी ये मानती होंगी, अपने पेरेंट्स का नंबर दो ताकि सारी नोटिफिकेशन वो आपको बताते रहें। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है कि ऑल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंट ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओनली, मोबाइल नंबर पर ही सारी कम्युनिकेशन आएंगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो उसी पे आएगी। उसके अलावा ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एड्रेस प्रूफ, ठीक है भाई, एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, और उसमें देख लो क्या 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 इंक्लूड हुआ है, आधार कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसी को अपलोड करना सबसे सही रहता है। फिर लिखा है बोथ डॉक्यूमेंट्स आर टू बी मर्ज्ड एंड अपलोडेड, हाँ एक चीज और, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बोथ डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल आर टू बी मर्ज एंड अपलोडेड इन द सिंगल पीडीएफ। अगर आप दो चीजें यूज कर रहे हैं, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग है, दोनों को सेम फाइल में बनाकर फिर अपलोड करना है, ठीक है ना। इसके बाद अच्छा, इफ द प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस आर सेम देन द सेम डॉक्यूमेंट विल सफाइस, मतलब कि एक ही, अगर सेम एड्रेस पे ही रह रहे हैं और एक्चुअल में भी वही एड्रेस है तो एक ही आधार कार्ड लगाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में, फॉर्म के बारे में। अब थोड़ा सा हम बच्चों को बता देते हैं कि कैसे उनको करना है आगे। तो देखिए, अगर हम आपकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें, जैसे एज यू नो, अगर मैं इसको मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो 60 डेज लेफ्ट है, इसको मैं 2 मंथ्स कह सकती हूँ, 60 डेज कह सकती हूँ। आप भी, आपको भी पता है, आप भी इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर चुके होंगे कि आपके पास कितने डेज बचे हैं। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो तो हमारा चैनल ऑलरेडी देख ही रहे हैं। आई नो आपको ऑनलाइन पे भी हम आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन आप जानते हैं अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर्स के बारे में, तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि हम आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, तो हम आपके लिए पर्टिकुलरली क्रैश कोर्स भी लेके आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। वो कोर्स होगा, ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि 60 डेज हैं आपके पास। हम आपका कोर्स जो है 40 डेज के अराउंड खत्म करवाएंगे, और उसी के साथ साथ जो मेजरली इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी वो होंगे आपके मॉक पेपर्स। हम आपको ट्राई करेंगे कि इसी टाइमिंग पे आपके मॉक पेपर्स करवाएं, ताकि आपकी अभी से प्रैक्टिस हो जाए, और आपकी जो स्पीड, सबसे बड़ा खेल किस चीज का होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, नॉलेज एंड स्पीड का। अगर आपने टाइम मैनेज करना सीख लिया और आपकी स्पीड अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई हरा नहीं सकता, है ना, आप जरूर जीतेंगे। तो इट मींस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है। अगर आप नियर बाय जनकपुरी रहते हो, जल्दी से जनकपुरी सेंटर पे विजिट करिए हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना नहीं चाहते, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी हमारा कोर्स जो है बाय कर सकते हैं। इवन हम आपको UIT यानी कि यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली अन अकेडमी दिल्ली चैनल पे तो फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि आप नहीं पे कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल पे जुड़ के अच्छे से भर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको जस्ट इस सर्कुलर को सबको सर्कुलेट करना है, ताकि हम सब एक साथ मिलके पढ़ सके और इस बार का नीट जो है अच्छे से फोड़ सके, ठीक है। सो क्या कहेंगे राजा सर? हाँ, मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूँ बच्चों से। देखो, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से हो सकता है कई लोग हताश हो चुके हों, उन्होंने ये सोचा हो कि मैं इस साल नहीं दूंगा, मैं फिर तैयारी करूंगा और अगले साल दूंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि नीट का एग्जाम जरूर दीजिए। चाहे आपको ये फील होता हो कि मेरी तैयारी सिर्फ 30% हुई है, 40% हुई है, लेकिन बात क्या है कि एग्जाम में जाकर वो जो प्रेशर हैंडल करने की प्रैक्टिस है ना, वो जरूर होनी चाहिए। इट डज नॉट मैटर कि आपने पूरी तैयारी करी, 4 साल से करी, इसी साल करी, इसी साल 12th दे रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ भी, मतलब कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ वो जो प्रेशर हैंडलिंग टैक्टिक्स है ना, वो उस समय मैटर करती है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा क्या है कि अगर आप इसी चैनल को देखेंगे तो यहाँ पर हमने बहुत सारे लेक्चर्स भी अपलोड कर रखे हैं, जैसे कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अगर हम फिजिक्स की बात करें, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सबके लेक्चर्स हैं जिनको आप देख सकते हैं और थ्योरी वाइज है उसमें। उसके अलावा बहुत ही जल्द इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोग
क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे जिसमें हम एक क्लास में अराउंड 40-50 क्वेश्चंस कराएंगे, मुझे लगता है मैम भी बायोलॉजी में करवाएंगी, और उससे क्या होगा कि इन 40-50 डेज में एक बिल्कुल बेसिक तैयारी, मतलब खास तौर पे जिन लोगों ने पूरा कर लिया और जिनको लगता है मेरी तो 110% तैयारी पूरी है, उनको भी इससे फायदा होगा। लेकिन खास तौर पे जो वीक बच्चे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा शायद सिलेक्शन ना हो पाए तो हम दे ही क्यों, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल करना इस सीरीज को। और मैं पूरा, मतलब मुझे विश्वास है कि अगर आप नहीं भी सिलेक्ट होते किसी वजह से, तो एक रिस्पेक्टेबल टोटल, रिस्पेक्टेबल नॉलेज आपके पास जरूर आएगी, है ना। और इसी के साथ हम लोग आपको बाय कहना चाहते हैं, और जैसे ही कोई और भी नोटिफिकेशन आता है, कोई और भी अपडेट आता है, तो जरूर हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे। मेरा नाम है रजत गोयल, मैम प्रियंका मैम है, शी टेक्स बायोलॉजी। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई चैप्टर पढ़ना हो, किसी चीज के बारे में समझना हो, तो आप अन अकेडमी जनकपुरी सेंटर पर आकर हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय।